और हमारे जो एग्जाम है नौ अप्रैल दो हज़ार बाईस में उसी का आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ हिंदी ए का है क्लास टेन का ठीक है जैसे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्लस पहला प्रश्न इधर हमारा है पहला प्रश्न को पर, बनाने से पहले यहाँ पर, पर देखिए क्या बोला गया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या एक से पाँच तक के लिए सही विकल्प का चयन कर रहे ठीक है तो आपको गद्यांश को पढ़ना था और यहाँ पर प्रश्न संख्या एक से लेकर पाँच तक आपको सही विकल्प बताना था ठीक है कि क्या होगा तो यहां पर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है तो भी हमारा होगा जिंदगी ठीक है तो क्या होगा यानी कि एक दो नंबर विकल्प ठीक है दो नंबर विकल्प देना सही है प्रश्न संख्या एक का दो नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दो और दो नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया के असली क्या होता है ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपको बताना है तो इसका दो नंबर का इधर हमारा होगा इसका होगा ताकत क्या होगा ताकत यानी कि इसका हमारा एक नंबर विकल्प जो सही है दो का एक नंबर विकल्प सही है ठीक है आप लोग मिला लीजिए आपका कितना कितना सही है ठीक है और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या तीन को देखिए तीन नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता तो यह हमारा क्या होगा तीन नंबर का ठीक है तो इसका जो होगा वे हमारा होगा इसका जो होगा साहसी ठीक है क्या होगा साहसी यानी कि इधर हमारा चार नंबर विकल्प सही है ठीक है चार नंबर विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है जो कि होगा साहसी होगा ठीक है चलिए तो इस प्रकार से तीन नंबर का चार नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देते हैं प्रश्न संख्या चार और चार नंबर प्रश्न आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है बोला गया कि जनमत शब्द कौन समास है जनमत शब्द जो है वे हमारा कौन सा समास है तो जनमत शब्द जो है वे हमारा तत्पुरुष समास है यानी कि हमारा चार नंबर के इधर हमारा तीन नंबर विकल्प सही है चार का तीन नंबर विकल्प इधर हमारा सही है है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 और देख सकते हैं यह हमारा प्रश्न संख्या 5 है और पांच नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि अरोस पड़ोस को देखकर चल... चलना या कैसा जीव का काम है अरोस पड़ोस को देखकर चलना या कैसा जीव का काम है तो आप लोग को यहाँ पर पढ़ के बताना था ठीक है तो इधर पांच नंबर के इधर हमारा एक नंबर विकल्प सही है जो कि होगा साधारण क्या होगा साधारण इसका सही विकल्प हो जाएगा यानी कि एक नंबर विकल्प सही है पांच का एक नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या छः और देख सकते हैं ये हमारा प्रश्न संख्या छः आ गया छः नंबर प्रश्न है यहाँ पर पढ़ने बनाने से पहले यहाँ पर बोला गया था कि प्रयुक्त पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और छः से लेकर दस तक आपको उत्तर बताना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखिए छह नंबर प्रश्न हमारे क्या है कि हाँ लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है ठीक है तो छः नंबर के इधर हमारा दो नंबर विकल्प इधर हमारा सही है जो क्या होगा करंदन ठीक है तो इधर हमारा दो नंबर विकल्प हमारा सही है छः का दो नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न सिंह सात और देख सकते हैं हमारा सात नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया था बोला गया था कि दूर दूर तलक किसकी गाथा है दूर तलक किसकी गाथा है तो वे हमारा क्या होगा धरती की गाथा है यानी कि इधर हमारा चार नंबर विकल्प सही है ठीक है सात का चार नंबर विकल्प इधर हमारा सही है अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या आठ और जैसे आठ नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा नील गगन का एक शब्द तो नील गगन का एक शब्द हमारा क्या होगा नीलांबर होगा यानी कि आठ नंबर के दरमार दो नंबर विकल्प इधर हमारा सही है आठ का दो विकल्प इधर सही होगा ठीक है चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं हम प्रश्न संख्या नौ को देखते हैं नौ नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि खिलता फूल क्या हो जाता है खिलता फूल क्या हो जाता है तो मलान हो जाता है यानी कि दरमा नौ नंबर के एक नंबर विकल्प दरमा सही है नौ का एक नंबर विकल्प सही है ठीक है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दस और दस नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया कि जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है तो इसका हमारा होगा ससी होगा यानी कि इधर हमारा दो नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही होगा ठीक है दो नंबर विकल्प सही होगा दस का दो नंबर सही होगा अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या ग्यारह और ग्यारह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला बोलेगा निम्न में से किस वाक्य में आक्रमक क्रिया है आक्रमक क्रिया इसमें से कौन सा होगा आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं यहां पर जो होगा उसका सटीक उत्तर जो

रुके थोड़ा सा देखिए वह रोटी खा रहा है तो इधर हमारे क्या तीन नंबर विकल्प मैथ यानी कि इधर हमारा तीन नंबर विकल्प जो है भी हमारा सही होगा इसका हमारा क्या होगा तीन नंबर विकल्प सही है ठीक है बारह का तीन नंबर विकल्प सही है देखिए बारह का तीन नंबर सही है ठीक है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या तेरह और तेरह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया था तेरह नंबर हमारा इधर प्रश्न है कि बोला गया यहाँ पर देखिए गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा दूसरा अर्थ हमारा गुरु का ये तो एक शिक्षक है ठीक है दूसरा अर्थ हमारा क्या होगा तो इसका जो होगा वह हमारा क्या होगा भारी यानी कि इसका हमारा चार नंबर विकल्प जो है वह हमारा सही होगा ठीक है चार नंबर विकल्प इधर हमारा सही होगा ठीक है चार नंबर विकल्प ठीक है तेरह का चार नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या चौदह और चौदह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा निम्न में से कौन सा श्वेत का अने, अनेकार्थी शब्द नहीं है ठीक है आपको बताना चौदह नंबर का इधर हमारा जो होगा एक नंबर विकल्प इधर हमारा सही होगा एक नंबर विकल्प जो है हमारा सही होगा जो कि होगा श्याम ठीक है चौदह का एक नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न पंद्रह और पंद्रह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि आजीवन कौन समास है आजीवन कौन समास है तो आजीवन जो है हमारा दो नंबर होगा इसका जो कि क्या होगा अवयवी भाव ठीक है यानी कि दो नंबर विकल्प इधर हमारा सही है पंद्रह का दो नंबर विकल्प सही है अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या सोलह और सोलह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया रचना के आधार पर वाक्य कितने वाक्य के कितने भेद होते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं कितना भेद होते, है? होते हैं दर अमारा, दर अमारा तीन भेद होते हैं यानी कि इधर हमारा इधर हमारा तीन भेद किस में लिखा गया ऑप्शन एक में ठीक है ऑप्शन एक नंबर में इधर हमारा तीन भेद लिखा गया यानी कि सोलह का एक नंबर सही है सत्रह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनू यह कौन सा वाक्य है तो इधर यह कौन सा वाक्य है तो यह हमारा मिश्र वाक्य <सथी> है क्या है मिश्र वाक्य है यानी कि इधर हमारा चार नंबर विकल्प सही होगा ठीक है सत्रह का चार नंबर विकल्प सही होगा जो कि होगा मिश्र सत्रह का चार सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अठारह और अठारह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है चलिए यहाँ पर आप लोग पढ़िए यहाँ पर इसको क्या बोला गया है बोला गया कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया यह कौन सा वाच्य है तो आपको बताना है अठारह का क्या होगा इसका जो होगा वे सटीक ऑप्शन जो है वे हमारा क्या होगा कर्म वाच्य होगा यानी कि इधर हमारा दो नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है अठारह का दो नंबर सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या उन्नीस को देखते हैं उन्नीस नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है उन्नीस नंबर प्रश्न हमारा है कि विद्यालय घर के डैश है सही अवयव पद को चुने तो उन्नीस नंबर इधर हमारा होगा निकट क्या होगा निकट होगा यानी कि उन्नीस का एक नंबर विकल्प इधर हमारा सही है उन्नीस का एक नंबर विकल्प सही है उन्नीस का एक सही है ठीक है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या बीस और बीस नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि वाच्य कितने तो प्रकार के होते हैं तो इधर हमारा बीस नंबर के इधर हमारा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं यानी कि बीस नंबर के इधर हमारा एक नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही होगा ठीक है बीस का एक नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या इक्कीस और इक्कीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया था प्रयुत पदांश को ध्यान पूर्व पढ़ना था और इक्कीस चौबीस तक आपको उत्तर बताना है ठीक है क्या होगा इसका यहाँ पर ऑप्शन बताना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्कीस नंबर प्रश्न है और इक्कीस नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया उपयुक्त पदांश के कवि कौन है तो इसके हमारा पदांश के कवि जो होगा वे हमारा नगार्जुन होगा यानी कि इधर हमारा दो नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही होगा ठीक है दो नंबर विकल्प इधर भी हमारा सही होगा इक्कीस का दो सही होगा अब बाईस नंबर प्रश्न को आ रहते हैं बाईस नंबर प्रश्न यहां पर देख सकते क्या बोला गया है बाईस नंबर प्रश्न हमारा है कि फसल किसका जादू है फसल किसका जादू है तो फसल जो है भी हमारा नदियों के पानी का जादू है यानी कि बाईस नंबर के दर तीन नंबर विकल्प सही है नदियों के पानी का जादू ठीक है तो बाईस का तीन विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या तेईस और तेईस प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है फसल किसका गुणधर्म है फसल किसका गुणधर्म है तो मिश्रित मिट्टी का किसका गुणधर्म है मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है यानी कि इधर हमारा मिश्रित मिट्टी दो नंबर विकल्प में है तो दो नंबर विकल्प इधर हमारा सही है ठीक है दो नंबर विकल्प इधर हमारा सही है यानी कि तेईस का इधर हमारा दो नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या चौबीस और चौबीस यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है फसल किसका रूपांतर है फसल किसका रूपांतर है आपको बताना है तो फसल किसका रूपांतर है तो सूरज की किरणों का रूपांतर है यानी कि इधर हमारा चौबीस नंबर का तीन नंबर विकल्प सही है चौबीस का तीन नंबर विकल्प इधर हमारा सही है चलिए यहां पर देखिए चौबीस का तीन नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या पच्चीस और पच्चीस नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि सूरदास की काव्य भाषा है सूरदास की काव्य भाषा क्या है वज्र भाषा क्या है वज्र भाषा है यानी कि पच्चीस का दो नंबर होगा पच्चीस का दो नंबर सही है पच्चीस का दो नंबर सही है ठीक है पच्चीस का दो नंबर सही है वज्र भाषा अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या छब्बीस और छब्बीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देख क्या बोला गया है बोला गया कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है तो इसका हमारे क्या होगा इसका जो होगा उद्धव को कहा है किसको कहा उद्धव को कहा यानी कि इधर एक नंबर विकल्प सही है ठीक है छब्बीस का एक नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या सत्ताईस और देख सकते हैं ये हमारा सत्ताईस नंबर प्रश्न है और सत्ताईस नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया कि उत्साह उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है तो किसे गजने को कहा है तो बादल को किसे बादल को कहा गया है यानी कि हमारा दो नंबर विकल्प जो है भी हमारा सही है दो नंबर विकल्प सही है बादल को ठीक है यानी कि सत्ताईस का दो नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अट्ठाइस और अट्ठाइस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि विकल विकल उन्मन उन्मन थे उन्मन पंथी किस कविता की है तो इसका हमारा होगा उत्साह कविता की है यानी कि एक नंबर होगा ठीक है अट्ठाईस के जरा हमारा एक नंबर विकल्प होगा उत्साह ठीक है अब लोग अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न उनतीस ठीक है यहाँ पर देखिए ये हमारा गद्दांश दिया गया था उनतीस से बत्तीस तक आपको आंसर बताना था ठीक है उनतीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है प्रयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसके जो लेखक जो होगा वे हमारा क्या होगा उसका होगा स्वयं प्रकाश क्या होगा स्वयं प्रकाश होगा यानी कि उनतीस नंबर का उन्तीस नंबर का ट्वेंटी नाइन के अंदर हमारा वन नंबर विकल्प सही है यानी कि विकल्प संख्या एक सही है ठीक है चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या तीस और तीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है तीस नंबर प्रश्न हमारा है कि हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा तो हालदार साहब को ये हमारा होगा देख सकते हैं ये इसका जो होगा हमारा का होगा पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का समा मजाक उड़ा उड़ाया उरा, जाना ठीक है तो यही वाला होगा यानी कि इधर हमारा तीस का इधर हमारा दो नंबर विकल्प जो है भी हमारा बिल्कुल सही है तीस का दो नंबर सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न सिंह इकतीस और इकतीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि बूढ़ा बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था तो इधर हमारा क्या हो जाएगा इकतीस नंबर का इधर जो होगा वे हमारा कैप्टन सही होगा यानी कि इधर हमारा हमारा नंबर विकल्प जो है वे सही हो जाएगा नंबर विकल्प सही होगा का नंबर विकल्प सही है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या बत्तीस और बत्तीस नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कैप्टन क्या काम करता था कैप्टन क्या काम करता था चश्मा बेचता था क्या काम करता था चश्मा बेचता था बत्तीस का इधर हमारा चार नंबर विकल्प सही है बत्तीस का चार नंबर विकल्प सही है थर्टी थ्री का इधर जो होगा रेखा चित्र का यानी कि थर्टी थ्री का इधर हमारा दो नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है रेखा चित्र होगा अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या चौतीस और चौतीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया यानी कि थर्टी थ्री का दो नंबर विकल्प सही है ठीक है थर्टी फोर का इधर हमारा बोला गया कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे ठीक है तो इधर नंबर क्या हो जाएगा वे जो होगा मंझोले कद के आदमी थे यानी कि चार नंबर विकल्प जो है इसका सही होगा ठीक है विकल्प संख्या चार सही है ठीक है चौंतीस का चार सही है अब हम लोग अगले प्रश्न को देते हैं प्रश्न संख्या पैंतीस और पैंतीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पैंतीस नंबर प्रश्न यहाँ पर था कि बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे तो इधर हमारे क्या हो जाएगा वे जो होगा कबीर को मानते थे ठीक है यानी कि इधर हमारे एक नंबर विकल्प जो है वे सही है पैंतीस का एक नंबर विकल्प सही है कबीर को ठीक है पैंतीस का एक नंबर विकल्प इधर हमारा सही है ठीक है अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या छत्तीस और छत्तीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम

ठीक है यानी कि एक नंबर विकल्प सही होगा ठीक है सैतीस का एक नंबर विकल्प जो है सही होगा सैतीस का एक नंबर सही है अगला प्रश्न देखते हम लोग प्रश्न संख्या अड़तीस और अड़तीस नंबर प्रश्न यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं तो ये हमारा होगा सरसों का तेल को कहते हैं यानी कि चार नंबर विकल्प सही होगा ठीक है इसका विकल्प संख्या चार सही है अड़तीस का चार सही है उनचालीस नंबर प्रश्न को देखते हैं उनचालीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी तो इधर हमारा क्या होगा इसका जो होगा वे हमारा होगा नाभी और में ठीक है यानी कि इसका दो नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा विकल्प संख्या दो सही है ठीक है नाभि और लिलार में ठीक है यानी कि उनतीस नंबर उनचालीस नंबर का उनचालीस नंबर के इधर हमारा दो नंबर विकल्प सही है उनचालीस का दो नंबर विकल्प सही है अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या चालीस और चालीस नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया लेखक किसकी गोद में शीसकते शिशकते बाहर निकलते थे ठीक है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा इसका जो होगा वे हमारा होगा चालीस नंबर इसका जो होगा वे हमारा बाबू जी की गोद में ठीक है यानी कि एक नंबर विकल्प सही होगा ठीक है इसका विकल्प एक सही है चालीस का एक सही है तो इस प्रकार से आपने मिला लिया कि आपका कितना सही है आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ठीक है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस चैनल पर नही आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस तब इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद